पीएससी रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। पीएससी के रिजल्ट के 18 दिन के बाद भी कोई गड़बड़ी नहीं बता पाए, किसी भी अधिकारी के बच्चे का सिलेक्शन होना कोई अपराध नहीं है। 18 दिन हो गए, एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहां कहां गड़बड़ी, उसमें खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के अधिकारी के ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। यदि अच्छा, दूसरी बात यह है कोई भी अभ्यर्थी है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं तो इसके पहले रमन सिंह के शासनकाल में तो सीधा अभ्यर्थी जो परीक्षा दिलाए हैं परीक्षार्थी, वो राज्यपाल के पास गए थे, ईडब्ल्यू के पास शिकायत करने गए थे, लेकिन अभी तक 18-20 दिन बीतने के बाद भी कोई भी आवेदक है या परीक्षार्थी वो शिकायत नहीं की। केवल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आपको विरोध करने के लिए यदि विरोध करना है तो कोई उसको कौन रोक सकता है? मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप ही से बोला हूँ भाई, पत्रकारों से सबसे पहले बोला, यदि कोई तथ्यात्मक कोई आपके पास जानकारी है तो दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। केवल ये कहना कि इस अधिकारी का कि राजभवन में पदस्थ उस अधिकारी के बच्चे का हो रहा है कि पीएससी में जो है उसके रिश्तेदार के रिश्ते बच्चों का हुआ है, तो ये कोई शिकायत नहीं है कि किसी पत्रकार के किसी नेता के किसी अधिकारी के घर में जन्म लेना कोई अपराध है क्या?